स्टार्ट करते हैं करिकुलम डिज़ाइन मॉडल्स में टाइलर्स मॉडल से। ठीक है, टाइलर ने भी एक मॉडल दिया था, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। टाइलर्स मॉडल फॉर करिकुलम डिज़ाइनिंग इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, जो टाइलर ने मॉडल बनाया था वो कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक्स टू अटेन। यानी वो क्या पर्पस है, वो क्या चीज़ें हैं जो स्कूल चाहता है अचीव करना या अटेन करना। ठीक है, तो फर्स्ट इज व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस, क्या मतलब गोल है, क्या चाहता है, क्या पर्पस है वो अचीव करना। फर्स्ट तो हो गया ये वाला। सेकेंड है, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दिस पर्पसेस। ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे स्कूल्स में जो अटेन करेंगे इन पर्पसेस को, जो हेल्प करेंगे इस पर्पस को अचीव करने में। तो ऐसे कौन से हम एक्सपीरियंसेस देंगे या फिर हम किस तरह से वो एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाएंगे जो बच्चों को पर्पस अचीव करने में हेल्प करेंगे या गोल जो ओवरऑल है उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद है, हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं कि कुछ एक्सपीरियंसेस है या जो भी चीज़ हम करना चाह रहे हैं उसको हम ढंग से ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है, हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पसेज आर बींग अटेन। और उसके बाद हम कैसे देखेंगे कि जो भी पर्पस हमने सोचे थे वो हमने अटेन करें। तो देखिए, पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, व्हाट एजुकेशनल पर्पसेज जो हम करना चाहते हैं। दूसरा, हम एजुकेशनल मतलब जो भी चीज़ हम पर्पस अगर चाह रहे हैं उसको करने के लिए हम कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को सोचेंगे या प्रोवाइड करवाएंगे, उसको हम इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे उन एक्सपीरियंसेस को। एंड फोर्थ है कि हम उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, यानी कि हमें अगर देखना है कि वो काम करा है या नहीं करा तो वो कैसे करने वाले हैं। ठीक है, टाइलर मॉडल बहुत बेसिक सी अप्रोच पे बना हुआ है। पहली बात तो आपने ऑब्जेक्टिव चूज़ करे, ठीक है, कि ये हम चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस देखा कि भैया लर्निंग एक्सपीरियंस क्या आया, किस तरह से आया। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस था उसको ऑर्गेनाइज करा, ये ऐसे ऐसे हुआ, अच्छा। और लास्ट स्टेप है इवेल्युएशन, मतलब आपने पहले सोचा कि ये अचीव करना है, बाद में आपने देखा इवेल्युएशन, उसके बीच में आपका लर्निंग एक्सपीरियंस प्लस उसको ऑर्गेनाइज करना, दोनों काम आ गए। तो ये था टाइलर मॉडल के अंदर। नाउ ये जो मॉडल है ये लीनियर है, मतलब कि स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्टिव से, एंड हो रहा है इवेल्युएशन पे। ठीक है, बहुत ही ईजी है। और इस मॉडल के अंदर जो इवेल्युएशन है वो टर्मिनल है, मतलब वो लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्टिव से, एंड हुआ इवेल्युएशन पे। आपने सोचा और आपने लास्ट में उसको देखा कि उसने काम करा कि नहीं करा, और जो इवेल्युएशन है वो टर्मिनल है, मतलब लास्ट में आता है। Now, it is important to note that objective form the basis for the selection and organization of learning experience. यानी कि हमारे लिए बहुत important है note करना कि जो भी objectives होते हैं ना वो basis बनाते हैं किसका, कि हम किस तरह से learning experience को select करेंगे, किस तरह से हम उसको organize करेंगे। ठीक है, पहले तो ज़रूरी है। देखो, for example, मैं चाहती हूँ कि कुछ काम करूँ मैं class में, या मैं कुछ activities करवाना चाहती हूँ, या कुछ भी कोई experience लेना चाहती हूँ, तो पहले मेरे पास एक objective तो होने चाहिए ना कि क्या करवाना चाहती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे फोकस किया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेसिस बनाते हैं सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद बोला है ऑब्जेक्टिव जो है आपके वो बेसिस बनाते हैं करिकुलम को एक्सेस करने का, कि कैसा है करिकुलम, वो उसको हेल्प करते हैं समझने में। एक और चीज़, जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम डिराइव करते हैं लर्नर से, ठीक है, लाइफ से और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से, सबको इन्वॉल्व कर दिया। लर्नर भी अपना रोल प्ले करेगा कंटेम्प्रेरी लाइफ का, और जो आपका स्पेशलिस्ट है वो भी अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, टाइलर के लिए जो मेन फोकस करने वाली बात है वो ये है कि इवेल्युएशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई अपने इनिशियल एक्सपेक्टेशन को आउटकम से मैच करता है। देखो, मैंने सोचा, एक एग्जांपल देती हूँ बहुत बेसिक सा, मैं केक बनाऊंगी। ठीक है, मैंने अच्छा केक बनाने का सोचा, बहुत अच्छा बनाऊंगी। अब इवेल्युएशन मतलब मैंने लास्ट में उसको चखा कि अरे भाई केक बना या नहीं बना, कैसा बना, अच्छा बना, बुरा बना। तो यहाँ पे इनिशियल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हमारे आउटकम के साथ हम क्या करते हैं, मतलब मैच करते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली क्या है। तो इवेल्युएशन इसी बारे में है, यानी आपने अपने इनिशियल एक्सपेक्टेशंस को फाइनल आउटकम के साथ मैच किया, उसी के बारे में इवेल्युएशन है। ठीक है, नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हैं, उसमें आपको कई वीडियोस के लिंक मिलेंगे, प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। वरना आप इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और इस मॉडल से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।